नमस्कार दोस्तों, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लिनोवो फैब 2 स्मार्टफोन को, जो कि एक काफी बड़ा स्मार्टफोन है जिसकी वजह से हमें ये फोन रेकमेंड करना काफी टफ लगता है। इस साल लिनोवो ने 3 फैबलेट्स को लॉन्च किया गया है जिसमें से फैब 2 सबसे ज्यादा चीप है। लिनोवो फैब 2 प्लस में आपको मिलता है 1080p का डिस्प्ले, लेकिन फैब 2 में आपको मिलता है सिर्फ एक 720p पैनल। इस फोन का डिस्प्ले साइज है 6.4 इंचेस और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 230 ppi। इसका डिस्प्ले क्रिस्प नहीं है और कुछ आइकन्स काफी धुंधले दिखाई देते हैं और टेक्स्ट जैक दिखाई देता है। इस फोन के व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे नहीं हैं। इस फोन की लुमिनेंस रेटिंग है 363 लक्स, जो काफी कम है और जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले काफी डिम है। लिनोवो फैब 2 प्लस एक बड़ा फोन है, लेकिन हम इसे एक भद्दा दिखने वाला फोन नहीं कहेंगे। ये फोन बिल्कुल एक बड़े से रेक्टेंगल जैसा दिखता है और इस फोन में मौजूद है शैम्फर्ड एजेस। लिनोवो फैब 2 आपके हाथ में काफी कंफर्टेबली फिट होता है, लेकिन इसके कॉर्नर्स ज्यादा राउंडेड नहीं है जिसकी वजह से आपको इसे दोनों हाथों में पकड़ते हुए थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लिनोवो फैब 2 में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। लिनोवो फैब 2 एक फास्ट स्मार्टफोन नहीं है। इस फोन में आपको मिलता है एक क्वाड कोर मीडियाटेक MT8735 प्रोसेसर, जिसमें मौजूद है 4 कॉर्टेक्स A53 कोर्स, जिन्हें क्लॉक किया गया है 1.3 GHz पर। इस फोन में आपको मिलती है 3 GB की रैम, लेकिन इसके बावजूद ये काफी स्लो है और इस फोन में आपको कुछ फ्रेमिंग इश्यूज दिखाई देंगे जब आप इस पर हाई परफॉर्मेंस इंटेंसिव गेम्स खेलेंगे, जैसे कि एसफॉल्ट 8 और इनजस्टिस। लिनोवो फैब 2 फैब 2 प्रो की तरह गूगल टैंगो के साथ नहीं आता है और ना ही आपको इसमें मिलते हैं डुअल रियर कैमरास फैब 2 प्लस की तरह। इसमें आपको मिलता है एक सिंगल 13 MP रियर कैमरा डुअल टोन फ्लैश के साथ और फ्रंट की तरफ आपको मिलता है एक 5 MP का कैमरा। इस फोन द्वारा क्लिक करी गई इमेजेस काफी डल है। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में भी इमेजेस क्लिक कर रहे हैं तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं नजर आएगी। इस फोन की लो लाइट इमेजिंग क्वालिटी भी काफी पुअर है और इमेजेस में आपको नॉइज और पुअर कलर्स देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको मिलता है एक AR मोड, जिसकी मदद से आप एक फेरी, ड्रैगन, डॉग या कैट को अपने फोटोज में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक फीचर नहीं बल्कि एक गिमिक है। इस फोन में आपको मिलती है 4050 mAh की बैटरी और पूरे दिन यूज करने के बाद हमें इसमें 55% बैटरी मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी साइज की डिवाइस के लिए ये एक अच्छा फीचर नहीं है। लिनोवो फैब 2 के बारे में बात करने के लिए बहुत कम बातें हैं, सिर्फ इस फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर लिनोवो इस फोन में 720 की जगह एक फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड करता तो वो ज्यादा अच्छी बात होती। इस प्राइस पर आपको मिलता है Xiaomi Mi Max, जो कि एक काफी बेहतर डिवाइस है, और अगर आप एक फैबलेट की तलाश में हैं तो लिनोवो फैब 2 की जगह आप Xiaomi Mi Max कंसिडर कर सकते हैं।